हिंदुस्तान के हकों को वोट डालना, गरीब की रोटी के लिए वोट डालना, किसान की पगड़ी के लिए वोट डालना। पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभालो, बैरिया ने आज तेरा लुट लिया माल। मुझे ये बताओ, सरकारी कंपनियां मार के ये 4% या 1% पूंजीपतियों को क्यों दी जा रही है? ढेल 7,400 करोड़ रुपए के फायदे में थी, ये 2014 के आंकड़े हैं। आज 900 करोड़ के घाटे में और जियो दम दनादन 900 करोड़ के फायदे में। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये 2092 करोड़ के फायदे में थी, आज 4000 करोड़ के घाटे में है। कोल इंडिया घाटे में है, RIN घाटे में, स्पाक बोर्ड घाटे में है। कैसे घाटे में चली गई? इससे बड़ा देशद्रोह हो सकता है? तो आप सरकारी कंपनियों को मार के आप प्राइवेट कंपनियों को फायदा दे रहे हो। और ये कैसे हो गया कि जो NPA UPA की सरकार में, मनमोहन सिंह जी की सरकार में 2 लाख करोड़ के थे, वो NPA आज 17 लाख करोड़ रुपए के हो गए, और वो भी सारे सरकारी बैंकों के। तो प्राइवेट बैंक का क्यों नहीं? आपने कहा बॉर्डर पर तनाव है, सुना है, चुनाव के संदर्भ में कहा, ये सबको पता है, ये जो पब्लिक है दोस्त सब जानती है। ये राजेश खन्ना जी कह गए, समझे ना, राजेश खन्ना जी कह गए, पब्लिक को सब पता है।